हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग? देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं एरीज। सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड आ गया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जो एनर्जीज को इंडिकेट करे दैट यू नो जो भी आप सक्सेस इतने टाइम से देख रहे थे, चाह रहे थे, उसमें अब आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपके काम को लेकर मैं कहूँगी दैट यू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। रियली गुड कार्ड्स। आगे आपके लिए आगे द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो पहली चीज़ तो मैं बता दूंगी ये भी कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इमोशनल होकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस वीक में, बिकॉज इमोशनल होकर आपको कोई भी सही आंसर्स नहीं मिलेंगे ना, आपके लिए फ़ायदे में नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी पत्थर दिल हो जाएं, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने करियर पर, अपने आप पर जो जो चीज़ सही है, सही की तरफ तरीके से आप आगे चलें। ये नहीं कि आप इमोशन होकर नज़रअंदाज करें चीज़ों को, देन यू नो आप अपने आप की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं। बिकॉज इस वीक के कार्ड्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि भैया अब वक्त आ गया एरीज कि आप अपना कमाल दिखाएं, अपनी पावर दिखाएं, आपके पास जो स्किल्स हैं उसको दिखाइए। आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत कीजिए, बिकॉज एरीज इज़ ऑल अबाउट फायर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पावर, थ्रिल, ये सारी एनर्जीज को इंडिकेट करता है। सो अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा एरीज? सो इसी वजह से यू नो ट्राई योर बेस्ट कि आप यू नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एनर्जीज को देखते हुए चलें। ये मैं कहूँगी एक और चीज़ मैं कह दूँ, बड़े करेजियस भी होने वाले आप इस वीक में। आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही कि बहुत ही करेजियस रहोगे, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज रहेंगी। सो एवरीथिंग इज़ गुड। मुझे किधर भी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। जॉब के लिए दिख रहे तो जॉब आती हुई दिख रही है। एजुकेशन वाइज में आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। सो ऑल ओवर इट इज़ गुड। लव, रोमांस, रिलेशनशिप में न्यूट्रल एनर्जीज हैं। कुछ खास चेंजेस एंड मेरे को एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मेन एस्पेक्ट है भैया आपका करियर, पैसा, एजुकेशन, अपनी फिटनेस एंड आपका इनर कॉन्फिडेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। इट इज़ ऑल गुड फॉर यू गाइस। ओके सो यस, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको। चलते अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं। टॉरस, काफ़ी ज़्यादा चिंता, भय, परेशान दिखाई दे रहे हैं आप टॉरस। सबसे पहला आपके लिए कार्ड आ गया है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता था दैट यू नो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ रिपीट ना हो जाए, कहीं ये चीज़ मेरी लाइफ में दोबारा ना हो जाए। पैसे को लेकर भी कन्फ्यूज़ चल रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, दूसरों के साथ में अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कतें आ रही हैं, समझ नहीं आ पा रहा ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में। सो ये प्रकार की मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो आगे आपके लिए नो जो सेकेंड कार्ड था वो ये था आपके लिए द टू ऑफ पेंटिकल्स। एंड वहीं अगर मैं आगे बात कर लूँ सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं द डेविल। कोई ना कोई नेगेटिविटी में आप स्टक हैं, कह सकते हैं कि आपको कोई नज़र लग गई है या आपको लग रहा है दैट यू नो कि आपके काम बेवजह के अटक रहे हैं। तो सिंपल चीज़ कर लीजिएगा, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके जाप लगाइए, मंत्र जाप कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए गुड एनर्जीज लेकर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये वीक थोड़ा सा स्लो है टॉरस। ये वीक में मेरे को एनर्जीज आपके लिए स्पीड में होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी दिख रही है दैट यू नो कि ना कि ओके ओके है, न्यूट्रल है। आपको अपनी तरफ से बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी तब आपको ये स्टक सिचुएशन से निकल सकते हो। मे बी ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मे बी ये कोई टॉक्सिक जॉब है, मे बी ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन है। अब इसमें आपको ही निकलना होगा एंड आपको ही अपनी बहुत विल पावर दिखानी होगी। ये वीक में रुकावटें एंड थोड़ा सा स्लो एनर्जीज आपको महसूस हो सकती हैं, बट एज आई सेड आपकी विल पावर, आपकी इनर एनर्जी आपको इसमें से निकाल सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। लव लाइफ में देखना आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर आपको टॉक्सिक नेगेटिविटी फील हो रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, देन चीज़ों को आप आगे बढ़े सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेना आपके लिए सही नहीं है। ये एनर्जीज आपके लिए मुझे इस वीक में दिखाई दे रही हैं। हर चीज़ में मैं कहूँगी, करियर हो गया, लव लाइफ हो गया, हर एस्पेक्ट में थोड़ी सी चीज़ें मेरे को धीमी गति में रहेंगी इस वीक आपके लिए टॉरस।
सो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हुए चलिएगा, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच। रेस्ट, हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। वेरी गुड एनर्जीज जेमिनी, आपके लिए दिखाई दे रहा है। देखो पहली चीज़ तो एस ऑफ द मैजिशियन के कार्ड्स आ गए हैं। गुड एनर्जीज आपके लिए इस वीक में, जो भी आप मन चाहा डिज़ायर रखोगे, आपके जॉब आती हुई दिख रही है, प्रमोशन आती हुई दिख रही है, पैसा पैसा दिखाई दे रहा है इस वीक में जेमिनी। तो करियर वाइज बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है, सो इट्स ऑल गुड। ओके, करियर वाइज मुझे कहीं पर भी चिंता नहीं दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। प्रमोशन, कोई स्टेज परफॉर्मेंस आप करते हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग आप करते हैं, उन सारी क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलेगी इस वीक में, सो इट्स ऑल गुड। देख लो, अगर आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, कोई पेपर वर्क, कोई पासपोर्ट, कोई अब्रॉड जाना, कोई ट्रैवल कहीं हो, किसी भी प्रकार के आप चेंजेस के लिए वेट कर रहे थे, तो उन हर चीज़ों में आपको सक्सेस और स्पीड देखने मिलेगी, और आपके लिए गुड एनर्जीज लाते हुए दिख रहे हैं कार्ड्स एंड एंजल्स। मन से प्रार्थना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आप काम कर रहे हैं उसमें से कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए सजेस्टेड है तो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। देखो कुछ जेमिनीज एंड ऑफ द वीक में जाते जाते कन्फ्यूज हो सकते हैं कुछ बातों को लेकर के। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो इंडिकेट करता है, देखो आपकी लाइफ में ना सब कुछ बढ़िया चल रहा है जेमिनीज, स्पेशली काम के सेक्टर को लेकर तो ना, लेकिन सब कुछ सही चलते हुए भी जेमिनीज आपको लगेगा कि यार कुछ तो और करना है, कुछ तो बढ़ाना है, ये इनफ नहीं है पैसा, और पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाना पड़ेगा तब जाके लाइफ सही चलेगी, नहीं तो यार खर्चे तो इतने आराम से ही हो जाएंगे। कहने को सब कुछ सही चल रहा है लेकिन वो पैसा आते हुए भी वो उतना इनफ नहीं पड़ रहा है नो, तो वो एक चीज़ आपको इस वीक में लगती रहेगी एंड ऑफ द वीक में। तो अगर आप अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, जॉब में कुछ यू नो आपको लगता है कि कोई और खास अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती है, ज़रूर ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। बट मैं कहूँगी अननेसेसरी चेंजेस मत लाइएगा जब तक अनटिल एंड अनलेस बहुत जेन्युइन चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, डोंट डू इट। ओके जेमिनीज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड एनर्जीज आपके लिए मुझे दिख रहे हैं। देखो लव लाइफ कम्युनिकेशन ऑल गुड, रिकन्सिलेशन फर्स्ट से लेकर मिड वीक तक होती हुई दिख रही है, अच्छे और शुभ एनर्जीज आपके लिए मानी जाएंगी उन केसेस में, नो नीड टू वरी। ओवर थिंकिंग या जो कन्फ्यूजन वाला फैक्टर रहेगा ना वो आपका एंड ऑफ द वीक में रहेगा, उससे पहले सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है, नो नीड टू वरी, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ पियो, खुश रहो, कोई ज़्यादा मुझे टेंशन इस वीक में आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है जेमिनीज, वीक आपके लिए शुभ और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। आगे हम बढ़ लेते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। ओके कैंसर्स, ओके सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के, एक्चुअली द किंग ऑफ वॉन्ड्स, गुड एनर्जीज पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया पैसा काम ठीक ठाक चलेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स तो रिकवरी आती हुई दिख रही हैं, पावरफुल पोजिशंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, स्पीड में काम अब होंगे, जो अब तक स्लो चल रहे थे, डल एनर्जीज आपको लग रही थी कैंसर्स, सब जाती हुई दिख रही है, सब कुछ बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है, सो इट्स ऑल गुड। फाइनली कैंसर्स पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। देखो आप अपनी तरफ से ना अपनी विल पावर स्ट्रांग रखना इस वीक में कैंसर्स, बिकॉज आपके लिए चीज़ें फेवर में आती हुई दिख रही है, स्पीड से होगा, बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल आपके लिए रहने वाला है, वैसे भी आपको लगेगा कि भाई पता नहीं चला कैसे वीक बीत गया, ये काम था, वो काम था, ये करना था, बड़े बिजी थे और सारा कुछ हो गया, ठीक है, तो ये वीक में आप बिजी तो रहेंगे, काम भी आपका बढ़िया चलेगा, सो नो नीड टू वरी। अब एंड ऑफ द वीक में जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपके काम अटके हुए थे, वो होते हुए दिख रहे थे। देखो पहली चीज़ तो मेरे को बड़ी स्ट्रांग दिख रही है, जितने भी आपके अटके हुए काम है ना सब मोस्टली इस वीक में होते हुए दिख रहे हैं, पेंडिंग वर्क, पेंडिंग रिलेशनशिप, जो रिकन्सिलेशन हमारी बची होती है, वही लड़ाई होगी कब ठीक होगी, गड़बड़ होगी कब ठीक होगी, तो ये सारी चीज़ों में सुधार और इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है इस वीक में। वीक शुभ है, पॉजिटिव है, अच्छा है, ऊर्जा मुझे अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए, एंड हेल्थ वाइज ऑल गुड,
हेल्थ वाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, हेल्थ वाइज भी हीलिंग आती हुई दिख रही है, एजुकेशन वाइज भी बढ़िया है। पैशन अपना फॉलो करोगे आप, जो भी आपके मन में इच्छा आएगी ना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे आप, और वो इच्छा आपकी पूरी भी होगी फॉर श्योर। बस आप अपनी इच्छा पर डाउट मत करना और ऊपर वाले पर डाउट मत करना, अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड ऑल पॉजिटिव फॉर यू कैंसर्स इन दिस वीक। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए मेरे को दिखाई दे रही हैं, आपके लिए सक्सेसफुल पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो येस, आई होप कैंसर्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके लियोस, ये वीक में कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार का फियर दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, द डेविल। सो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बताता है, देखो कहीं ना कहीं आप कोई नेगेटिविटी में स्टक हो, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कह रहा है या बोल रहा है, ये चीज़ आपको तकलीफ दे रही है एंड आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ दुनिया इतनी अनफेयर क्यों हो रही है, मेरे साथ इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस क्यों हो रही हैं। देखो लियोस, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, जो भी इंसान को आप ब्लेम दे सकते हो दे लो, लेकिन देखो अपनी लाइफ को किसी और के ऊपर ब्लेम कर कर या आप और ज़्यादा उसको सफ़र मत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि हाँ ठीक है, जो होना था सो हो गया, या मेरी चॉइस है मुझे इस सिचुएशन में रहना है कि नहीं रहना है, मुझे सब समझो मान लो इस पर्सन ने धोखा दे दिया या इस पर्सन ने गलत बिहेव कर लिया, सो व्हाट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट, अभी उसके बाद आपने क्या करना उस पर फोकस कीजिएगा। और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में स्टक मत रहिए, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका यू नो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। सो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। रेस्ट, इसके अलावा जिनके रिलेशनशिप काम नॉर्मल चल रहा है, उनको लग रहा है कि भाई हमें नहीं लग रहा है इतनी कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सो उनके लिए एडवाइस है इस वीक में दैट यू नो किसी भी प्रकार के नेगेटिव लोगों से जिनको आपको लगता है आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, अच्छी इंटेंशन नहीं रखते हैं, उनके सामने बिल्कुल भी आप इग्नोर कीजिए उनको, या उनसे कोई भी कनेक्शन ना रखें तो अच्छा रहेगा। जिनके बारे में आपको पता है भी ये लोग सही नहीं है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। सो यस, बाकी आप ये मत सोचना कि आपको हालातों ने पकड़ कर रखा हुआ है, ये मत सोचना कि आप कहीं अटक गए हैं, बिकॉज ये सिर्फ आपकी सोच होगी। असल में आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बड़े आराम से बाहर आ जाओगे, बस आपकी हिम्मत की बात है और आपकी विल पावर की बात है। और ये भी मत सोचना अगर मैं ये सिचुएशन से मैंने कुछ कहा या बोला या मैंने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ा तो क्या मेरे साथ बुरा हो जाएगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ये नेगेटिव थॉट्स आपको सिर्फ रोक रहे हैं, इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान मत देना, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको लग रहा है बुरा होने वाला है, वैसा कुछ भी बुरा आपकी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है, वो सिर्फ आपकी सोच है। एंड ऑफ द वीक में आते आते आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे लियोस, जो आप स्टार्ट ऑफ द वीक में डल एंड नेगेटिव फील कर रहे हो, वही आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बोल्ड होने वाले हो बाय एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में आते आते आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे भाई, जो होना है हो जाए, मैं तो स्ट्रांग एंड बोल्ड रहने वाला हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, हमें किसी से डर नहीं लगता है। तो बड़ी आपकी ना वो बिंदास वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एंड कहते हैं ना एम्परर वाली एनर्जी, कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लैरिटी है, मैं उसी हिसाब से लाइफ में चलूँगा या रहूँगा। तो ये एनर्जीज आपकी रहेंगी, इट्स गुड। रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, आपको अपनी जो भी पोजीशन है उसकी कद्र, लीडरशिप और अपने करियर को और आगे उमदा बढ़ाने के लिए आप काम करोगे। तो जो भी आपकी बस बंदिश है ना, जो भी नेगेटिव बंदिश है आपकी लाइफ में, लग रहा है कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे ना बात छुपा कर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा, बस अपने आप को बंदिशों में मत बांधना लियोज, स्पेशल एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपका बढ़िया रहेगा, अपने ऊपर काम करो, रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करो, रेस्ट इट्स ऑल गुड। फर्स्ट से लेके मिड वीक तक थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे ये पैसे का हो, चाहे आपकी हिम्मत दिखाने का हो, जो मर्जी कह लो, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी फर्स्ट और मिड वीक में। रेस्ट, फिर भगवान आगे हिम्मत देते हुए दिख रहे हैं। कितना हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, इसका मतलब ये होता है कि अगर इंसान हिम्मत कर लेगा, जब अपनी इंसान खुद मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, हिम्मत दिखाएगा, तो फिर भगवान भी उसकी मदद करता है। तो ये एनर्जीज है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं, जो है हमारी नेक्स्ट राशि वर्गो, देख लेते हैं वर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज दिख रहे हैं।
वर्गोस। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया था पेज ऑफ वांड्स। न्यू बिगनिंग, फ्रेश एनर्जी, एक्सप्लोर, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, न्यू डायरेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, वेरी गुड एनर्जीज आपके लिए, ठीक है, एम्बिशियस रहोगे, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। चाहे आपका काम है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, रिकन्सिलेशन है, सब कुछ बढ़िया है। फर्स्ट वीक की शुरुआत बहुत अच्छे से आपकी होती हुई दिख रही है। अब देखो मिड वीक की तरफ हम जैसे ही चलते हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन में इश्यूज हो सकते हैं। अपनी बात गुस्से से मत समझाइएगा, अपनी बात चिढ़ कर मत समझाइएगा, शांति से संभल कर सोच समझ कर बात कीजिएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। ओके माय डियर वर्गोस, सो चिड़चिड़े नहीं होना है, क्योंकि मिड वीक में आप चिड़चिड़े हो सकते हो, मूडी हो सकते हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इन भावनाओं को कंट्रोल रखिएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नहीं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है कि भाई हमने गुस्से में कह दिया, फिर माफ़ी मांगो, फिर मान नहीं रहे, फिर बड़े सारे पंगे पड़ जाते हैं, कहते हैं ना एक चुप सौ सुख वाली बात है। आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, यहाँ पे द टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। देखो पैसा आने वाला है इस वीक में, अच्छा खासा पैसा आएगा, अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, टेंशन मत लो वर्गोस, काफ़ी शुभ एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। बिजनेस, मनी, जॉब, एजुकेशन में सब कुछ बढ़िया है, लव लाइफ में भी बढ़िया है, फैमिली लाइफ में भी बढ़िया है, सिर्फ मिड वीक में ध्यान देना है। मिड वीक में बस टेंशन मेरे को दिखाई दे रही है, कॉन्फ्लिक्ट की। मिड वीक निकल गया तो पहला और लास्ट कार्ड आपके बड़े शुभ आए, नो नीड टू वरी। फैमिली फंक्शन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, या इन जनरली एक आपको अच्छी एनर्जी महसूस होगी, फैमिली साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, सुख शांति प्यार मोहब्बत पैसा सब आता हुआ दिख रहा है। देखो एंड ऑफ द वीक में खर्चे हो सकते हैं वर्गोस, टेंशन मत लेना, जो खर्चे होंगे ना अपने आप संभल जाएंगे, नो नीड टू वरी। ओके सो वर्गोस पैसा आएगा भी लेकिन जाएगा भी, लेकिन क्या करें, माया है, जो आएगा सो जाएगा, लेकिन पैसा आपके पास समझ लो अगर 10 रुपये आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो अगर 3-4 रुपये खर्च भी हो गए तो टेंशन मत लेना, उतना आपके पास आता भी जाएगा। ये मत सोचना कि नहीं एक ही रुपया खर्च होना चाहिए 10 में से, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना होगा, स्ट्रेस से सॉल्व गुड, अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छी रीडिंग है, हैप्पी रीडिंग है मैं कहूँगी। तो ज़्यादा ये मत सोचना ये क्या होगा वो क्या होगा इस वीक में ऐसा होगा क्या होगा, ये सोचना ये वीक में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, बस इतना ही सोचना। और ज़्यादा अलग अलग, मैम आपने ये सिचुएशन नहीं बताई, वो सिचुएशन नहीं बताई, जो बताइए उसी से कनेक्ट कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा वीक की शुरुआत में उदास सैड होते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ों को लेकर मन में आपने ऐसे लग रहा है जैसे नो परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, लग रहा है पता नहीं कब तक चीज़ें ठीक होंगी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंड शायद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, मन मेरा सही नहीं लग रहा है। देखो लेकिन इन सब के बीच में ना यूनिवर्स फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, फिर भी आपकी लाइफ में सक्सेस लाता हुआ दिख रहा है, बकायदा आप इसकी कद्र करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा लिब्रा इस वीक में, बिकॉज आप शायद से ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, पॉजिटिव को नहीं देख रहे हैं, तो बहुत ये होता है, सबके साथ होता है, क्या करें हम इंसान हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे पास सब कुछ है, कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं है। कोई ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, क्या कुछ कुछ है फिर भी बड़े खुश हैं, तो हम इंसान हैं, कई बार हमारे नज़रिए ऐसे बन जाते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं, क्या करें, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मूड स्विंग्स होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फिर हमें ऑन राइट ट्रैक आने की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई चलो अब सही सोचते हैं, अब सही करते हैं, ये एनर्जीज़ आपके लिए ज़रूरी है। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, अपनी कद्र करें, जो हो रहा है लाइफ में उसको होने दीजिए, अपनी आत्मा से पूछे क्या चीज़ आपको खुशी देगी, क्या आप नया करना चाहते हो, मे बी आपको एक रूटीन से बोर हो चुके हैं, मे बी आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, यू नो कहीं ना कहीं आपको वो बोर्डम महसूस हो रहा है लाइफ में, तो ज़रूर खुद को खुश रखने की कोशिश करें। वहीं जितना आप डल स्टार्ट ऑफ द वीक में महसूस कर रहे हो, वहीं मिड वीक में आते आते काफ़ी ब्राइट और हैप्पी एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है, जैसे नो आप अगर कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, तो घोड़े पे वो सवार हो चुका है वॉरियर, एंड आगे है, बहुत स्पीड में एनर्जीज है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है, जो कह रहा है कि भाई हाँ जो पीछे छूटना था छूट गया, अब हम फिर से तैयार है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए हमें ज़रूर 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 सक्सेस मिलेगी, तो अच्छी एनर्जीज हैं। तो कुछ नया कोर्स करना चाहते हो, देखो ये वीक में ना आपके लिए बड़ी न्यू एनर्जीज दिख रही हैं,
जॉब चेंज करना चाहते हो, जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस में सक्सेस आती हुई दिख रही है, एजुकेशन में कोई नया कोर्स करना चाहते हो, हर रूप में मुझे आपके लिए सक्सेस तो दिखाई दे रही है लिब्रा, सो इट्स ऑल गुड। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से बोलना अवॉइड कीजिएगा इस वीक में लिब्राज, आपके लिए सजेस्टेड है। अदरवाइज रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, न्यू प्रोजेक्ट, काम पे बढ़ोतरी होना, काम का एक फ्लो बने रहना। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रमोशन या कुछ बहुत ही बिग अमेजिंग चीज़ें होती हुई दिख रही है, नहीं, पर चीज़ें जो आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में, पहले के वीक के 3 दिनों में आपको स्लो डल लगेंगी ना, वो मिड वीक से बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये वाइब एंड एनर्जीज है लिब्रा आपके लिए, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा परेशान एंड उदास दिखाई दे रहे स्कॉर्पियंस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कोई ना कोई बात आपको सता रही है, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, डिससैटिस्फाइड है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में। देखो, न्यू आइडियाज़ आएंगे, फ्रेश थिंकिंग रहेगी, कुछ नया कोर्स करना चाहेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी। वेरी गुड स्कॉर्पियंस, स्टार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप चीज़ के बारे में सोचोगे, ठानोगे, उस पर आगे काम करते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है, सो इट्स ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव। पर देखो, जैसे जैसे मिड वीक और एंड वीक में ना कहीं वो एनर्जीज ऐसी हैं कि आप या तो कुछ नेगेटिव छोड़ते हुए दिख रहे हो, जो भी चीज़ अब आपके लिए वर्कआउट नहीं करी थी ना, जब आप तक हिचकिचा रहे थे कि भाई मैं इस चीज़ को एंड करूँ कि ना करूँ, इस चीज़ को मना करूँ कि ना करूँ, मेरे करंट जॉब को छोड़कर जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरे रिलेशनशिप जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ स्कॉर्पियंस के लिए सभी स्कॉर्पियंस का ब्रेकअप हो जाएगा ऐसा नहीं है। 5% ऑफ स्कॉर्पियन जो ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर रहे थे कि उनको मूव ऑन करना था बट नहीं कर पा रहे थे, सो इस वीक में वो कम्प्लीटली चीज़ों को छोड़कर लड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखो, इस वीक में अपने मन को उदास मत होने देना, सॉलिट्यूड में अकेले रहने का आपका मन ज़रूर करेगा, अगर ऐसा मन करता है स्कॉर्पियन, सो इट्स ऑल ओके, अपना टाइम लीजिए, अकेले वक्त बिताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा उदास मत होने देना, अपने आप को ज़्यादा टाइम अकेले मत रखना, हो सके तो किसी से बात करें, शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स। देखो, अच्छा बुरा वक्त सबका आता है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही वक्त एक ही तरीके का चलेगा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट असली इंसान वो है जो हिम्मत ना हारे, जो हमेशा आगे बढ़ता रहे, एंड लाइफ में जो मर्जी हो जाए ना, जो मर्जी हो जाए हमेशा खुश रहो। ये चीज़ मेरे फादर मुझे हमेशा कहते थे, सो ना लाइफ में जो मर्जी हो जाए स्कॉर्पियंस डोंट वारी। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं थ्रू एंजल्स कह लीजिए, कार्ड्स कह लीजिए, बिकॉज ये दो कार्ड्स हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जब भी आते हैं ना इंसान की लाइफ में, उस पर ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे को वापस प्यार नहीं हो सकता, अब मेरी दोबारा शादी नहीं हो सकती, अब मेरी लाइफ में मे बी मैं दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। ऐसे हमें लगता है कि यार शायद हम ऐसे ही रह जाएंगे बस लाइफ में, हम आए क्यों हैं, कुछ तो बढ़िया हो नहीं रहा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन वही हम जब भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, मेहनत करते हैं, अपना जो भी हमारा डिज़ायर है उसके लिए काम करते हैं, तो मैजिक होता है, रास्ते खुलते हैं, सोल्यूशंस मिलते हैं, वापस से फ्रेश एनर्जीज आती हैं लाइफ में, बस आपके थोड़ी सी वेटिंग कहूँगी, थोड़ा सा सब्र कहूँगी रखना पड़ता है, उसके बाद में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। तो इसीलिए जब आपको लग रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, किसी और का इंतज़ार मत करना कि कोई आपको आके सहारा देगा, आप खुद खुद का सहारा बन जाना, मुस्कुराना, खुद का साथ देना, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। रेस्ट, बाकी सारी चीज़ें मेरे को न्यूट्रल रहेंगी, इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत रहेगी इस वीक में स्कॉर्पियंस। सो ये एनर्जीज है आपके लिए, आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, थैंक यू सो मच। हाय सजिटेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस एंड एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। वेरी गुड एनर्जी सजिटेरियस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, द एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आपके लिए, पैसा आता हुआ दिख रहा है, जॉब आती हुई दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं,
एंड इन जनरली कार्ड्स आपको पूछ रहे हैं कि अब अपनी ज़िंदगी में आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, क्या आपका नेक्स्ट गोल है, क्या आपकी सपने हैं, क्या आपके डिज़ायर्स हैं, और कितना आप उन सपनों के ऊपर काम कर रहे हो, डट के मेहनत कर रहे हो। यू नो, कई बार हम लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा, ज़िंदगी में ये कब होगा, वो कब होगा, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम उसके लिए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कितने एफर्ट हम एग्जैक्टली डाल रहे हैं अपने गोल के ऊपर। ये सोचना और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो यस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीक में बन रहे हैं। आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं मिड वीक की ओर, सो यहाँ पे अगेन शुभ कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है, जो इंडिकेट कर रहा है आपके लिए फ्रेश आइडियाज़ रहेंगे। देखो, न्यू बिगनिंग्स के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, सक्सेस के लिए देख रहे हैं, भैया बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी मेंटल एनर्जीज़ में, थॉट्स में, अपनी ऑरा में, अपने मन में। यू नो, बिल्कुल भी डल एनर्जीज नहीं रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, कुछ न्यू बाय कर सकते हो, कुछ न्यू परचेज कर सकते हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। सो हैप्पी कार्ड्स हैं। ओके, आगे हम जैसे बढ़ते थे, टू ऑफ कप्स, लव, इमोशंस, एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, कंपैटिबिलिटी दिख रही है। लव लाइफ में एक अच्छा कार्ड आपके लिए आया है एंड ऑफ द वीक में। सो लव रोमांस को देखते हुए आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सो नो नीड टू वरी सजिटेरियस, लव लाइफ हो, करियर हो, एजुकेशन हो, पैसा हो, हेल्थ हो, सब में सुधार है, सब में पॉजिटिविटी है सजिटेरियस। तो आपके लिए बड़े ही शुभ और पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। देखो, सारे कार्ड में एक अच्छी मूवमेंट बनी हुई है, एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं, रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आपके लिए आए हैं फॉर दिस वीक। सो यस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, चलते अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। ओके, वाह 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 वाह, कैप्रिकॉर्न्स, क्या बात है, क्या बात है। द नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज, सक्सेस, पैसा, पावर, कंप्लीशन, कुछ ना कोई बड़ा टास्क आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, कोई अच्छा जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, ऑल ओवर एक गुड लक आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। जितना भी आपने जिस पर मेहनत की ना, उसका फल आता हुआ दिख रहा है। कहते बताएं, जब आप मेहनत कर रहे होते हो, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स भी आने लग जाते हैं, हमें पता नहीं होता कब हमारी किस्मत पलटा खाने वाली है, कब हमारे लिए यू नो एक अच्छा गुड फॉर्चून आने वाला है। बट जो इंसान यू नो बस मेहनत करता जाता है, करता जाता है, 10 साल, 5 साल, सबका अपना अपना टाइम होता है कब किस्मत पलटी खाए, अच्छी वाली पलटी। तो उनके लिए ना, जब भगवान देते ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब भगवान की कृपा पड़ जाती है, जब आपके इतने सारी जो इतने साल आपने डेली रूटीन की मेहनत की होती है, जब भगवान को उसका रिजल्ट देना होता ना, माय गॉड, फिर इंसान है ना ऐसा खुश हो रहा है कि यस, मैंने जो इतनी मेहनत की थी उसका मेरे को रिजल्ट मिला। तो उसकी खुशी, उसका आनंद वो सिर्फ वही जानता है जो मेहनत करता है, और यू नो उसको जब फाइनली उसके रिजल्ट मिलते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। यस, सो बिन मांगे बिन इच्छा के बस मेहनत करते जाओ, जब आपका राइट टाइम आएगा ना, तो आपको भी ज़रूर आपके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। वहीं आगे हम बढ़ते थे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, पॉजिटिव कार्ड, अगेन पॉजिटिव कार्ड। देखो, माइनर चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपका माइंड और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न्स। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, वो आपके लिए ना चींटी के बराबर होगी, तो आप उसको देख भी लेंगे, संभाल भी लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो यू नो, आप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, स्मार्ट होते हुए दिख रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी आपकी इस वीक में। सो ये एनर्जीज है। आगे हम बढ़ते हैं, सो आगे यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए हैं द वर्ल्ड के कार्ड, ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, अब्रॉड जाते हुए दिख रहे हैं, पेपर वर्क क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, एंड अगेन इट्स ऑल गुड। ठीक है, फुलफिलमेंट है, अचीवमेंट है। अब देखो, इस वीक में बड़े अच्छे चांसेस है प्रमोशन के, जिन लोग के प्रमोशन या कुछ बड़ा काम का वेट करे थे कि बस मेरा ये काम हो जाए ना, मेरा तो बस, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स, अगर ऐसा कोई आपका काम अटका हुआ था और आप वेट करो क्या ये वीक में क्या होने वाला है, तो यस, ये वीक में पॉजिटिव रिजल्ट है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, काम मुझे आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। देखो, लव लाइफ ये सब नॉर्मल मेरे को दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक ही होती हुई दिख रही है। हेल्थ कह लो, पैसा कह लो, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि दो कार्ड इतने पॉजिटिव आ गए, इतने पावरफुल आ गए हैं कि आपकी लाइफ में मेरे को गुड फॉर्च्यून इस वीक में दिख रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही है इस वीक में। सो यस, ये थी आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस।
एक्वेरियस, यहाँ पर अब ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जैसे यू नो कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उसको चाहते हो कि भाई मुझे इसके ऊपर स्टार्टअप करना है, आगे बढ़ना है, तो उस आइडियाज़ के ऊपर ज़रूर काम करें, वो आपका वर्कआउट करेगा। डाउट मत कीजिएगा अपने काम के ऊपर, आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर तो फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो मिड वीक में ना मूड स्विंग्स रहेंगे, हो जाएगा मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, एंड बोर्डम फील हो सकता है। सो आपको यू नो इस टाइम पे अपने आप को रीसेंटर करना चाहिए, मेडिटेशन करें, योगा करें, ग्रीनरी में जाकर बैठें, खुद से कनेक्ट करें। सो ये आपके लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा इस वीक में एक्वेरियस। ये आपके लिए सजेस्टेड है, जो भी हो आपको ग्रीनरी है, नेचर है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाकर आप कनेक्ट करें, शांत हो जाएँ। एंड मेडिटेशन आपके लिए सजेस्टेड है, वॉकिंग सजेस्टेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपको अच्छे रिजल्ट देंगी। वहीं अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ तो आगे आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो टू ऑफ कप्स, एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलिएशन, लव रोमांस अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कनेक्शंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली हैप्पीनेस दिख रही है, आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, सो विच इज़ अ गुड एनर्जी। तो इन सारे केसेस में आपके लिए बड़ी शुभ और पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस। सो पॉजिटिव है, सिर्फ देखो बीच में ना आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, वैसे पैसा, रिश्ते, काम, एजुकेशन और पढ़ाई में आपको फोकस खुद बढ़ाना पड़ेगा। आपका मन यहाँ वहाँ डोलेगा कि फोकस नहीं लग रहा है, जो भी है, तो आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा, तब जाकर आपका काम ठीक ठाक अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। नो मेरी जुगनी पीछे सो रही है आराम से, सो उस वजह से आपको इस तरह जुगनी की तरह आप सोते ना रहें, आप काम करें और अपने काम के ऊपर ध्यान दें, आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, तो ये कुछ स्पेशल एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर दिस वीक एक्वेरियस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच। रेस्ट हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। पाइसेस, ओके, सो यहाँ पर अब आपके सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इंट्यूशन अच्छा रहेगा आपका इस वीक में, इंट्यूटिव फील करेंगे, लेकिन देखो आपको इस वीक में ना बड़ा ऐसा पता चल जाएगा, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो आपको ना वो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे मन में ना कुछ तो सस्पिशियस रख रहा है, ये बंदा मेरे को झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ सही बिहेव नहीं कर रहा। तो अगर किसी के ऊपर ऐसा सस्पिशियस आपको बिहेव हो रहा है तो ज़रूर आपने उन पर, मैं कहूँगी, या तो दूर रहिए या ऑब्जर्व कीजिए, या थोड़ा सा टाइम दीजिए, या कम्युनिकेशन कीजिए। किसी के ऊपर भी अगर आपको कोई भी बात को लेकर शक है, वो कोई भी आपका दोस्त, फैमिली मेम्बर, कलीग, कोई भी हो सकता है, और आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा। एंड हो सकता है आप भी किसी से शायद कुछ सीक्रेट्स रख रहे हो, या कोई इंसान आपसे कुछ सीक्रेट्स रख रहा है। सो ये सीक्रेट्स किसी अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ इस वीक में पाइसेस ब्लैक एंड वाइट रहने वाला है। इमोशनली एनर्जीज हाई रहेंगी, मूड स्विंग्स, एंड थोड़ा सा हाईली सेंसिटिव आप रह सकते हैं। सो स्टार्ट ऑफ द वीक के 3 दिनों में आपने अपना ध्यान देना है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को मैं कहूँगी और बढ़ाइए। आप एक वाटर साइन हैं तो आपका इंट्यूशन नेचुरली काफ़ी स्ट्रांग होता है, कई बार आपको ड्रीम्स आते हैं, इंसाइट्स आते हैं, सो जो मर्जी आप कह रहे थे, लेकिन आप इस वीक की शुरुआत में थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा, जल्दी से जो भी मन में आ जाए वो मत बोलिएगा, अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कलेक्टिवली शांत होकर स्टेबल कर कर बात कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। हो सकता है किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप ज़्यादा इमोशनल हो गए, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आपने रखना है। आगे सेकंड कार्ड की ओर बढ़ते हैं, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, शुभ कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है, इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। जो भी आप डल डल फील कर रहे थे ना स्टार्ट ऑफ द वीक में, वो सारा कुछ बेहतर और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अच्छी जॉब, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें गुड लक रहेगा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के कोई केस पेपर अटके हुए थे वहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। सो ऑल ओवर एक सक्सेसफुल कार्ड मैं कहूँगी दिख रहा है मुझे, आपके काम को लेकर गुड एनर्जी। हो सके तो डॉग्स को चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, डॉग्स को खाना खिलाएं, डॉग्स की सेवा करें, सो आपको शुभ एनर्जीज और देखने मिलेंगी। एंड ऑफ द जो कार्ड आया आपके लिए वो है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जीज बताती है दैट कि जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, एंड ऑफ द वीक में आते आते आप वही उतने स्टेबल हो जाओगे, ग्राउंडेड हो जाओगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। सो ये एनर्जीज आपके लिए मुझे दिखाई दे रही हैं।
आपको कहीं ना कहीं ना पहले तो ये वीक में पाइसेस बहुत हाई एनर्जीज हैं कि आपको ना थोड़ा सा अपने घर में कंफर्टेबल रहना अच्छा लगेगा, कोजी कोजी होकर, जैसे ना जुगनी पीछे कोजी कोजी होकर सो रही हैं, सो ना यू विल फील दैट यू नो क्या लाइफ में बड़ा मिड वीक में कुछ हो सकता है, आपका गेट टुगेदर फैमिली के साथ में थोड़ा एक्टिव रहोगे, अदरवाइज ना आपके फर्स्ट और सेकेंड कार्ड बताते हैं पाइसेस के आप ऐसे रहोगे कि यार लाइफ में ना बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी, शांति चाहिए लाइफ में, सुकून चाहिए, दैट्स इट। ओके पाइसेस, तो हाँ मैं कहूँगी आपको जुगनी की तरह रिलैक्स करना चाहिए लाइफ में, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब ये वीक आप थोड़ा सा होमली वाइब, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, कोजी एनवायरनमेंट में होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस एनर्जीज आपकी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो भी होंगी मिड वीक में होंगी, उसके बाद में इट्स ऑल गुड, न्यूट्रल एंड मदरली केयर, घर में आपके लोग सपोर्ट भी करेंगे, फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके, वो सारे क्षेत्र में आपको अच्छा सुख देखने मिलेगा, लव रोमांस भी एंड ऑफ द वीक में या मिड वीक में अच्छा होगा, स्टार्ट ऑफ द वीक में नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही हैं आपके लिए पाइसेस फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।